अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मिस अस्रा। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, टुडे द डेट इज़ 9 जुलाई 2020 एंड द डे इज़ थर्सडे। इट इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस वीक। स्टूडेंट्स, आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 39। ओपन योर साइंस वेक्टर बुक, पेज नंबर 39। 5.5, यूनिट नंबर 5 का लेसन नंबर 5 हम आज रीड करेंगे एंड द टॉपिक इज़ ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इंसान जो है वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, कुदरती वसाइल को। ह्यूमंस यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस। इंसान जो है वो कुदरती वसाइल को जिन वजूहात की बिना पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। नंबर वन इज़ वाटर, मिनरल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। स्टूडेंट्स, वाटर जो है हमारी एक ऐसी नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम डिफरेंट रीजंस के लिए डिफरेंट वजूहात की बिना पर उसको यूज़ करते हैं। ह्यूमंस यूज़ वाटर फॉर 3 मेन रीजंस। इंसान जो है पानी को इस्तेमाल करते हैं 3 बुनियादी वजूहात की बिना पर। ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी को, वॉशिंग धोने के लिए जिसमें हम कपड़े भी धोते हैं, नहाते भी हैं, धोते भी हैं। नंबर थर्ड पे है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं बाय शिप। ट्रांसपोर्ट के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ ट्रीज एंड प्लांट्स, पौधे और दरख्त। पौधे और दरख्तों को इंसान जो है वो कैसे यूज़ करते हैं? ह्यूमंस यूज़ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स फॉर 5 मेन रीजंस। इंसान जो है दरख्त और पौधों को 5 बुनियादी वजूहात की बिना पर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन इज़ बिल्डिंग, नंबर टू इज़ फूड, नंबर थर्ड इज़ मेडिसन, नंबर फोर्थ इज़ क्लॉथिंग एंड द नंबर फिफ्थ इज़ डेकोरेशन। बिल्डिंग, स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है ट्रीज़ और प्लांट्स यानी लकड़ी जहाँ हम लोग हासिल करते हैं ट्रीज़ और प्लांट्स से, और उस लकड़ी से वुड से हम लोग अपने घर की तमीर करते हैं। डेकोरेशन के लिए हम लोग उसको फ्लोर में अपने रूफ्स में हम उस वुड को यूज़ करते हैं। नंबर टू पे है फूड। खुराक के लिए हम यूज़ करते हैं पौधों को और दरख्तों को, जिसे हम हासिल करते हैं पौधों और दरख्तों से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो हमारे फूड में शामिल होते हैं। नंबर थर्ड है मेडिसन्स, दवाइयाँ। स्टूडेंट्स, मेडिसन्स जो हैं वो मुख्तलिफ ट्रीज़ और प्लांट्स से जो हैं उनके पत्तों से, उनकी टहनियों से जो है वो मेडिसन्स तैयार की जाती हैं जो हमारी डिज़ीज़ की रिकवरी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ पे क्लॉथिंग। कपड़ा बनाने के लिए हम वुड को यूज़ करते हैं जो हम हासिल करते हैं अपने ट्रीज़ और प्लांट से। नंबर फिफ्थ इज़ डेकोरेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी घर की सजावट के लिए, अपने ऑफिसेस के लिए, अपने जो भी है हम लोग उसमें मटेरियल शामिल होता है ये ट्रीज़ और प्लांट से हासिल करते हैं जो हम वुड उसमें जो है वो उसके डेकोरेशन के लिए इसको वुड को यूज़ करते हैं। जैसे शो पीस होते हैं, मुख्तलिफ फ्रेम्स होते हैं, मुख्तलिफ हमारी फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह होते हैं, फैंसिस होती हैं, डेकोरेशन पीसेस होते हैं जिसको हम जो इस वुड से बने होते हैं जिसको हम अपने घर की सजावट के लिए, अपने ऑफिस की सजावट के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स, स्टूडेंट्स कहते हैं मादनियात को। ह्यूमंस यूज़ मिनरल्स फॉर 4 मेन रीजंस। इंसान जो हैं वो मादनियात को 4 बुनियादी वजूहात की बिना पर यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन पे है बिल्डिंग, नंबर टू पे है ग्रोइंग प्लांट्स, नंबर थर्ड पे है एनर्जी सोर्स, नंबर फोर्थ पे है डेकोरेशन। स्टूडेंट्स, बिल्डिंग जो है वो हम बिल्डिंग में मिनरल्स कैसे यूज़ करते हैं? बिल्डिंग जब हम तैयार करते हैं उसमें आयरन यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है, सिल्वर यूज़ होता है और बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो हम लोग ज़मीन से जो हासिल करते हैं उसको हम अपनी बिल्डिंग मटेरियल्स में उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सेकेंड पे है ग्रोइंग प्लांट्स।
स्टूडेंट्स, जब हम ज़मीन में अपने पौधे लगाते हैं और वो ज़मीन से जो हैं वो यही मिनरल्स जो हैं वो ज़मीन से हासिल करते हैं पौधे, और देन वो ग्रो करते हैं। नंबर थर्ड पे है एनर्जी सोर्स। स्टूडेंट्स, एनर्जी सोर्स जो है वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, कैसे इसका ज़रिया है एनर्जी सोर्स का, वो है कोल, ऑयल और गैस, यानी कोयला। कोयला ज़मीन से हासिल किया जाता है जिससे हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। ऑयल और गैस, इससे भी हम लोग अपनी एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं। इससे एनर्जी, गैस जो है हम कुक करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑयल जो है वो अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए हम खाना पकाने के लिए डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ पर डेकोरेशन। स्टूडेंट्स, डेकोरेशन जो है वो हम डिफरेंट जो है, जैसे ये रिंग्स और ज्वेलरी में हम ये मिनरल्स को यूज़ करते हैं, फेंसेस, फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर मेकिंग, डिफरेंट टेबल्स जो हैं वो बनते हैं, विंडोज़ बनती हैं, डोर्स बनते हैं इन्हीं मेटल्स से। स्टूडेंट्स, यही जो है वो मिनरल्स हैं जो हम ज़मीन से हासिल होते हैं और डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे है पर्सनल। स्टूडेंट, डू यू थिंक फिश आर अ नेचुरल रिसोर्स? आगे आप सोचते हैं कि फ़िश जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है? येस, दे आर क्रिएटेड विदाउट ह्यूमन हेल्प एंड ह्यूमंस आर एबल टू यूज़ देम। जी हाँ, ये एक क्रिएटेड चीज़ है, यानी कि खुद पैदा होती है अल्लाह ताला बग़ैर इंसानी हेल्प के, बग़ैर इंसानी मदद के, जो कि इंसान इसको खाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने अपने पेज नंबर 39 को रीड आउट करना है और इसको लर्न आउट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।